एक बहुत बड़ी खबर आ रही है श्रावस्ती से, जहां ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संयुक्त संगठन ने एक जन आक्रोश मार्च निकाला है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है श्रावस्ती से, जहां ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मार्च निकाला है। जूनियर हाई स्कूल विनोगा से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया ये पैदल मार्च और जन आक्रोश मार्च निकाला गया। ये भारी संख्या में संगठन के कर्मचारी और पदाधिकारी पुरानी पेंशन बहाली के मांग को लेकर वहां मौजूद रहे। ये खबर आ रही है श्रावस्ती से, जहां मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी ने जमकर नारेबाजी की। अटेवा और NOMPS के संयुक्त संगठन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली का किए मांग और इसीलिए ये पूरी जन आक्रोश रैली निकाली गई। DM के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया और आगे ही मांग ना पूरी होने पर उग्र आंदोलन करने का संगठन नेताओं ने चेतावनी दे दी है। और ये खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़ श्रावस्ती से, जहां पर मांगे ना पूरी होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे दी गई है। और ये ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संयुक्त संगठन ने जन आक्रोश मार्च निकाला है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है श्रावस्ती से, जहां पर अटेवा और NOMPS के संयुक्त संगठन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग की है और आगे ये मांगे ना पूरी होने पर और बड़ा आंदोलन निकालने की चेतावनी भी दी है।